दोस्तों, आज सुबह जब मैंने फेसबुक चेक किया तो मैंने देखा कि एक मैसेज बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग अपने वॉल पर जो है लगातार पोस्ट कर रहे थे। पोस्ट कुछ इस प्रकार से था कि मैं फेसबुक को अपनी तस्वीरों, अपनी जानकारी या अपने प्रकाशनों, अतीत और भविष्य दोनों में मैं या मेरी जहां मैं दिखाई देता हूं या देती हूं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस कथन के अनुसार मैं फेसबुक को अपना नोटिस दे रहा हूं। नोटिस भी यहां पर चस्पा किया गया कि मेरे प्रोफाइल और या इसकी सामग्री के आधार पर मेरी जानकारी, फोटो का खुलासा करना, कॉपी करना, वितरित कर देना, बेचना या मेरे खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई करना सख्त वर्जित है। इस प्रोफाइल की सामग्री निजी है और गोपनीय जानकारी गोपनीयता का उल्लंघन कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। और एक यूसीसी करके कोई भारतीय कानून की धारा के बारे में बताया गया है, जो कल रोम नोट फेसबुक अब एक सार्वजनिक, यहाँ भी एक जानकारी भी दी गई है कि फेसबुक अब एक सार्वजनिक संस्था है, सभी सदस्यों को इस तरह का एक नोट अवश्य पोस्ट करना चाहिए। यदि आप चाहें तो आप इस संस्करण को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, और यदि आप कम से कम एक बार कोई बयान प्रकाशित नहीं करते हैं तो आप अपनी तस्वीरों को उपयोग की अनुमति देने के साथ साथ प्रोफाइल की स्थिति के अपडेट में निहित जानकारी के लिए मौन सहमति दे दी गई है। मतलब यहाँ पर एक नोट भी बता दिया जाता है कि अगर आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं किया तो इसका मतलब आप मौन हैं और आप जो है अब सहमति दे रहे हैं कि मेरा कोई भी डाटा यहाँ से लिया जा सकता है। दूसरा एक पोस्ट इसी जगह पे आपको देखने को मिल रहा है कि कल से नया फेसबुक नियम उर्फ नया नाम मेटा शुरू होने जा रहा है, जहां आपकी तस्वीरों का उपयोग कर सकते हैं। सेम वही बातें, और आज अंतिम तिथि है। फेसबुक अब फेसबुक के नाम से नहीं रहेगा और मैं ये प्रमाणित करता हूं कि मेरा डाटा न लिया जाए। इस तरीके का मैसेज जो है लगातार देखा जाए तो सैकड़ों पोस्ट मैंने लगातार अपने जानने वालों को लगातार देखा कि वो लोग अपने हिसाब से जो है इसको पोस्ट करना यहाँ पर शुरू कर दिए। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, लगातार अगर देखा जाए तो दिन भर में करीब सैकड़ों क्या हजारों पोस्ट मैंने देख लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी क्या इसमें गलत बात है, इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बात बताया जा रहा है कि याद रखें, कल से फेसबुक का नया नियम लागू हो रहा है, फेसबुक का नया नाम मेटा शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें तरीका क्या है, जरा आप समझिए। ये जो मेटा कंपनी है, ये पैटर्नल कंपनी है फेसबुक का, मैसेंजर का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का। और जो मार्क जुगरबर्ग ने जो सबसे पहले शुरू किया था वो फेसबुक शुरू किया था। फेसबुक के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम भी शुरू किया। इंस्टाग्राम शुरू क्या किया, इंस्टाग्राम पहले किसी और की कंपनी थी और इसको खरीद लिया। फिर व्हाट्सएप को भी इन्होंने खरीद लिया, अपने अधिग्रहण में ले लिया। तो अब चूंकि फेसबुक का ही मालिक कई कंपनियों का मालिक बन चुका है और ये अलग अलग सोशल साइट्स हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं, तो इनका एक पैटर्नल कंपनी होना चाहिए जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में इन अलग अलग नामों से रजिस्टर्ड न होकर के इन्होंने एक नई कंपनी बनाई जो इन कंपनियों की पैटर्नल कंपनी है, जिसका नाम इन्होंने मेटा रखा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये 2 साल पुराना न्यूज है, पहली बात। दूसरी बात, फेसबुक का नाम फेसबुक ही रहेगा, वो बात अलग है कि पैटर्नल कंपनी के नाम में मेटा यहाँ पर दर्ज हो गया है। तो जो ये मैसेज यहाँ पर वायरल हो रहा है, ये टोटली पूरी तरीके से फेक है। और फेसबुक का नया नाम मेटा है ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक मैसेज ये बुधवार सुबह से वायरल हो गया है, जिस मैसेज में लिखा गया है कि आपकी तस्वीरों का उपयोग किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज 2 साल पुराना है और 28 अक्टूबर 2021 से ही फेसबुक का नाम मेटा रखने की घोषणा की गई थी। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तथ्यहीन है और ये जो दावे किए जा रहे हैं ये एकदम फर्जी है। जैसा चल रहा था वैसा ही सारी चीज़ें चल रही है। आप लोग इस गलतफहमी से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।